अभिनेत्री मैंडी टक्कर ने एक दिन का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो यह उनके लिए सबसे खूबसूरत पल होगा और वह औरतों और बच्चियों से दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को फांसी की सजा देंगे और देश से बेरोजगारी और अनपढ़ता को दूर करेंगे। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवी का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस ऑफ आर बॉलीवुड इंडस्ट्री। शी डजंट नीड एनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन। यस, शी इज वन एंड ओनली मिस मैंडी टक्कर। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हर। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी सारे। मैम, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आपने अपनी मूवी लाइन में जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो कब की? सी 2009 में मैंने शुरू की है, हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, सब सब मिक्सचर। सो मैं शुरुआत की थी 2009 में, एक बॉलीवुड फिल्म साइन की थी, जो मैंने कुछ भी नहीं पता सी एक्टिंग बारे, वाहियात एक्टिंग की थी उस फिल्म में। एंड फिर 2009 में ही मैं एकम साइन की थी, शूट भी उदों होया सी 2009 बन गया, पर आई एम श्योर द ऑडियंस समझ ही गए। सो 2009 एंड फिर 2010 में एकम मेरी पहली मूवी रिलीज़ हुई सी। तो मैंने याद है उस वक्त मैं जो तो फिल्म बारे सुनया सी कि अच्छा ये फार्मर्स बारे, मैं नवी नवी आई सी इंग्लैंड तो, सो मैं बहुत अफेक्टेड हो जाती सी छोटी छोटी गलों तो कि ओ माई गॉड इतने यू नो अच्छा बेरोजगारी ज़्यादा है, ड्रग्स ज़्यादा ने, अच्छा ओके जेडे अपने फार्मर्स ने, किसान ने, वो किन्ने नंबर विच आत्महत्या कर रहे ने, यू नो मैनू बहुत ये चीज़ा बहुत अफेक्ट कर दिया सी, ते हुण भी कर दिया ने। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरी शुरुआत करियर दी एक इदां दे सब्जेक्ट नाल होई जिते असी दिखाया सी एक विच दिखाया सी कि आड़तियाँ करके एंड यू नो डेट करके कर्जे करके एक किसान दी की हालत हुंदी है इत्थे। एंड आई थिंक मेरे लिए वो सब तो खूबसूरत, सब तो वधिया शुरुआत सी मेरे करियर दी कि एक चंगे सोशल मैसेज ना मेरा करियर शुरू होया। ता ही आई थिंक रब मेहरबान है कि उस तो बाद भी अरदास, रब द रेडियो, इवन यू नो खिदो खुंडी वर्गी एक स्पोर्ट्स फिल्म, मेरे हिस्से काफ़ी मिर्जा साहिबा, जो मेरी यू नो हमेशा एक विश हुंदी सी कि मैं साहिबा बना या लैला बना या यू नो हर एक कुड़ी दी हुंदी है। सो खुशकिस्मत हाँ। एंड यू डिड योर फर्स्ट मूवी विद लेजेंड ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस्टर जो ना इंसान नू कुछ मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो बहुत आई एम श्योर लाइटली लै जाता है बिगिनिंग विच लाइटली लै जाता है कि अच्छा ओके ठीक है ओके यू नो एक्सपेशली एक उम्र भी होंगी है जो तुम सारा कुछ बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। कितने नर्वस थे उनके साथ? मैं इतनी नर्वस नहीं थी, बिकॉज लाइक आई सेड व्हेन यू जब थोड़े अर्ली ट्वेंटीज चल रहे होंगे है ना, तुम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, थोड़ा लगता कि थोड़े तो बेस्ट को है ही नहीं, यू नो थोड़ा लगता कि मेरी ही लोड है इंडस्ट्री नू, यू नो। एंड हुण मैं जो एकम देखती हाँ तो मैं सोचती हाँ कि हजे भी मैं अपनी हर एक फिल्म कदे ना कदे देख लेंदी हुंदी हाँ कि मैं अपना एक मोनिटर करती हुंदी हाँ ग्रोथ लैवल अपनी एक्टिंग्स विच की है। एंड सो मैनू याद है कि उदों बस ओवर कॉन्फिडेंस सी, सो ओवर कॉन्फिडेंस विच फिल्म हो गई। मैं हालांकि ये कहांगी मेरी एक्टिंग बहुत एवरेज सी फिल्म विच, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी, कैमरा इधर लगा हुआ तो मैं इधर मुंह करके गल कर रही हूँ, यू नो सो इट्स क्वाइट फनी। मैम, योर बर्थ प्लेस इज इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से होने के बाद पंजाबी मूवीज में आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? सी एक वो है ना उत्थे साढ़े जग्गी धूड़ी जी जेडे साढ़े फिल्म ते मेरे मामा बने हैं इत्थे भी मजाक कर रहे ने मेरे नाल, इज राइट ओवर देयर इज मेकिंग मी लाफ, दैट्स व्हाई मैं हंस रही हूँ। तो फिल्म विच भी यही बैंड बाजे विच भी यही चल रहा सी, यू नो ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। बट बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट डिड यू से? आई आस्क्ड यू कि यू आर बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड, तो पंजाबी मूवीज में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आई थिंक सी मुझे मतलब एक्टिंग करनी सी, मैं एक बाय डिफॉल्ट पंजाबी सिनेमा ने मैनू बहुत ही प्यार दे के अपना बना लिया, हाँ मैग्नेटिकली खींच लिया, नहीं तो मैं तो आई वाज थिंकिंग के यू नो अच्छा इंडिया जावांगी उत्ते चार पांच इंडस्ट्रियां हुंदियां ने, मलयालम, कनाडा, देन तमिल, तेलुगु, बॉलीवुड, पंजाबी उदों बहुत अजे पिकअप कर रही सी। सो मैं सोचा सी कि तुक्का लगेगा, यू नो लेट मी गिव इट अ शॉट। एंड आई वुड से तुक्का लग गया,
पंजाबी सिनेमा में मैं हूँ जब मैं अपनी जर्नी देखती हाँ तो हूँ मैं लगता कि नहीं यही सही सी मेरे लिए मैं बिलोंग ही इतने करती हाँ मैं बिलोंग ही पंजाब में करती हाँ जी। दिस इज योर फर्स्ट मूवी बैंड बाजे इन विच यू आर प्लेइंग अ कॉमिक रोल तो कैसा एक्सपीरियंस मैं सही कि मैं कॉमेडी कर रही हूँ या मैं यू नो पंच मारन की कोशिश कर रही हूँ हालांकि जो शूट असी कर रहे थे उदो मैं बहुत जलन होंगी सी बिनू जी तो भला जी तो घुग्गी जी तो कि वो इन्ना हसा रहे ऑडियंसिस मैं कहती होंगी सी कि मैनू भी इदा दे लाइनस दो मैं भी हसाना है बट फिर सिचुएशन इदा बन गए कि मेरे शायद पंच लाइनस इन्ने उन्होंने वर्गे नहीं बट वो सिचुएशन ही बहुत हसाई है। सो हाँ जी कहते हैं सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है टू मेक समवन लाफ तो आपके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ है बिल्कुल कि सबको हंसाना इट्स ट्रू इट रियली इज यू नो इंसान सी इंसान जो रोंदा है वो कदों उपरों रो नहीं सकता नामुमकिन है पर जो हसदा है वो उपरों हस जरूर सकता है यू नो सो अपन एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपन पता नहीं होंगे कि इंसान उपरों हस रहा है कि दिलों हस रहा है साड़ी यही कोशिश रहती है कि इंसान उपरों ना हसे तो दिलों हसे एंड आई थिंक दिस फिल्म विल मेक दैट हैपन यू नो दैट्स व्हाई आई थिंक रुलाना ईजी है क्योंकि सानू पता है कि जे बंदा रो रहा तो ये सच्ची रो रहा है उपरों तो रो ही नहीं सकता है ना सेकंड टू हर्ट समवन यस यस यस। मैम एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे इस मूवी में आपका पाकिस्तानी करेक्टर है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया के कॉम्प्लिकेशंस तो स्टिल रनिंग मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे आई थिंक तो आपको लगता है इस मूवी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। इनिशियली मैसेज तो यही सारी कोशिश थी क्योंकि फिल्म बनने में 6 महीने लग जाते हैं जो अटैक्स हुए ने पुलवामा हाँ जी पो और जो अटैक्स हुए बहुत रीसेंट गल हुई सी बट बिकॉज वो हो चुका सी सारी फिल्म का ना से पहला कुड़िया लाहौर दी है सो असी चेंज किया फिल्म का नाम बैंड बाजे रखिया एंड ऑलसो बहुत कुछ है इस तरह फिल्म में असी चेंज किया ता कि किसी को ठेस ना पहुँचे एंड ऑडियंसिस कोई इदा ना लगे कि असी गलत मैसेज कर रहे हैं या फिर असी एंटी नैशनल या इदा कुछ भी बट हाँ एक गल जरूर है कि कलाकार एंड एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर पंजाबी सिनेमा का हो फिर किसी भी इंडस्ट्री का होवे सारी कोशिश यही होंगी है कि एकता नाल रहिए प्यार दे नाल रहिए कोई भी असी कुछ नेगेटिव करन दी कोशिश नहीं करते हाँ जी। आपके लिए आई थिंक ये मूवी आपके बहुत हर्ट टचिंग रहेगी आपके लिए आपने कॉमिक रोल प्ले की है एक मैसेज भी मिलेगा तो मैम इसमें आपके अटायर्स भी आपने पाकिस्तानी कैरी की है। कोशिश की है कि जैसे okay. बाल को कर्ली जा कर लिया okay. काजल नोज पिन एक लिबास जितना होंदा उन्होंने हाँ जी। तो बिनू ढिल्लो जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग के टाइम? बहुत अच्छा। कितना हंसाया उन्होंने आपको? बहुत ज्यादा। वो ऑफ स्क्रीन उतने ही फनी है जितने वो ऑन स्क्रीन है। यस, इट्स अ नाइस गाय, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल लाइन आल्सो? Don't you want to go the politics to the politicians? इतने करप्ट है, आई मीन यू नो इंडिया में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो आप क्या चाहते हैं? आप जैसे इलेक्शन आने वाले हैं आपको क्या लगता है आने वाले प्राइम मिनिस्टर कैसे होने चाहिए? आने वाले क्या कैसे होने चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भी वर्क किए हमारे इंडिया के लिए आपको क्या लगता है वो आपके अकॉर्डिंग कैसे रहे और आने वाले टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसा होना चाहिए? क्योंकि उनके बारे में बहुत कमेंट्स हम सुनते हैं कि कहा जाता है चाय वाले को हमारे इंडिया ने प्रधानमंत्री बना दिया हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आई डोंट नो जो भी प्राइम मिनिस्टर बने उनको आई जस्ट फील के दे शुड लुक एट द कंट्री ओवरऑल एंड क्या मुझे ओवरऑल नहीं पता क्या करना चाहिए मैं सिर्फ इन्ना पता है कि पंजाब के जो हालात है ड्रग्स नू लेके ते बेरोजगारी नू लेके उसनू सुधारना जरूरी है यू नो दिस वाई मीन कम क्यों नहीं इतने फॉर द यंगस्टर्स यू नो मैं यह गल अजे समझ नहीं आई एंड बिकॉज इतने कम नहीं है पंजाब में यंगस्टर्स वास्ते फिर वो ड्रग्स वगैरह शुरू कर देंगे ने बिकॉज दे जस्ट getting you know lazy and they're getting bored hai na so I think jo main socha ke prime minister kidda da hona chahida ta fir unu har ek jo region hai har ek ek jo state hai dekhna chahida ki itthe ki galtiyan ho rahiyan ne and usnu kidda sudharya jaye and also itthe punjab vich drugs kithon aa rahe ne je prime minister main hova for example main obviously dekhange kithe hon aa rahe ne te kithon main maar dindi unna nu shayad piche woh jehde drugs you should go for political line nahi nahi that's why I can't be a politician because tu si o kam ta kar hi nahi sakde na jo karna chahida hai apparently so yeah par je mainu pata lagda main ya fir unhonu you know saza dindi basically you know so तो मैम अभी आपके मूवीज़ कौन कौन सी आने वाली है और किस टाइप के आप रोल्स प्ले करेंगे? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले बायोपिक रोल इन एनी मूवी?
सी बायोपिक तो मैं ज़्यादा सोचा नहीं हैगा, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट के कुछ अलग की करा इन द फ्यूचर। मैं हुणी मीडिया ने गल कर रही थी, लुधियाना मीडिया ने गल कर रही थी, तो मैंने कह रहे थे कि कुछ असी देखना चाहते हैं कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जो कुछ एक्शन होवे एंड फाइटिंग होवे। हमने ये भी सुना है मार्शल आर्ट्स में भी काफी ट्रेंड है। मैं ट्रेंड थी, हुण तो बहुत बहुत ही लेजी बन गई। इट इज इन योर ब्लड। It's yeah, I'll have to train hard. It's not that I can just do martial arts overnight. किसी भी चंगे काम करने लिए टाइम लगता है एंड मेहनत लगती है। मैं सोच के करांगी जरूर, पर उन्हें वक्त लगेगा। मैं सीख के एंड करांगी जो कुछ करांगी इदा दा। तो मैम अभी आपकी कल मूवी रिलीज होने जा रही है बैंड बाजे, तो आप हम चाहते हैं आप अपील कीजिए सारे ऑडियंस से, आपके फैंस से कि कल आए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंजॉय करें इस मूवी को, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड मूवी। तो प्लीज अपील तुसी करी दिता अपील इज कम्प्लीटली फैमिली, वी वांट इन योर वर्ड। सो हाँ जी, मैं भी यही कहूँगी कि साड़ी मूवी आ रही है बैंड बाजे कल नू, बहुत तुसी हसोगे एंड आई डोंट थिंक कि इस तो वड्डी चीज़ कुछ कोई वैल्यूएबल चीज़ इंसान लिए हसना ते हसाना सब तो वैल्यूएबल चीज़ है। सो गो वॉच द फिल्म, इंजॉय, जिसनों वधिया लगे प्लीज़ वर्ड ऑफ माउथ ना प्रमोट जरूर करियो, बिकॉज सानू हमेशा सपोर्ट चाहिए है टू मेक पंजाबी सिनेमा बिगर एंड बैटर। सो कीप सपोर्टिंग पंजाबी सिनेमा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मिस मैंडी तखर, जिनकी मूवी कल रिलीज़ होने जा रही है बैंड बाजे, और उन्होंने हमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया कि इट्स कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड मूवी, गो एंड एन्जॉय दिस मूवी, गो एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू दिस मूवी। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को, पंजाबी मूवीज़ को पूरा सपोर्ट कीजिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।